उसको बाहर मार के अंदर लिया, मेरे शेर को मार दिया। बेगुनाह जुल्म कितना सारे बच्चे कर रहे हैं, सारा मुंडा मार रही है, अंदर किसी के ना चार पांच गोलियां मारी नहीं ऐसी, जख्मी की तरह सारा बच्चा ना मिली टेंट हाँ, ना कोई बच्चा छोटा बच्चा हाँ, ये जोनी कुड़ी भी आम दे कर दी, ये त्रास चार साल इस कुड़ी को लूँ निकाय मुंडा, तू दसा कितना क्रिमिनल हो रहा, जनाब बच्चा राती सुतेरा अपने बिस्तर पर माँ बियों को तो सुनेर जी पर गया, वो तो मुझे तो बाहर नेगा नेसी फोन कर दिया सतिया, सतिया तो को मुंडा मार के नहीं अंदर खड़ा, ऐ कोई ये असे जब तक असी आरपी आला नहीं दिता, तब तक असा पोस्टमार्टम नहीं करन देना, ऐ हम देखो ना सारे बच्चे मार ले वाले, असे गवर्नर गवर्नर चटिये सीएम सीएम चटिये पीएम पीएम तो प्यावी आई है, पर सारे बच्चे ना गुनाह वाले साबित करे, फिर ऐसा पोस्टमार्टम कर देना, किसने सारे बच्चे बेगुनाह मारे, ये कुछ चुनी चुनी है, मुसलमान तो एक एक बच्चा बनने का ना खत्म कर रहे कर दियो, ये नहीं क्यों ना, ये तो सब बनने का ना खत्म कर रहे कर दियो, बाकी बेगुनाह सारे बच्चे नहीं मारो, नहीं मारो सारे बच्चा, नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो, फिर नमाज पढ़ता, नहीं मारो, और फिर जिंदा भी प्यार करता, और मेरी गोदी ले दिया ला बच्चा नौरा मोबाइल दिखो सलामी दी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हम मान करते हैं ना सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए, असे रिकॉर्डिंग चाहिए, इधर करो इधर मैं बोल, रिकॉर्डिंग की ना छुपाई क्या ले रही है, साफ करो रिकॉर्डिंग, ले और रिकॉर्डिंग का उधर मोबाइल दियो, उधर मोबाइल दियो, बस करो उनका बस, मेरे बच्चे और मेरा बच्चा, हम एक ही चीज की मांग करते हैं, हमें कोई दूसरी मांग नहीं चाहिए, हमारा भाई मरा है, जिसके घर का मरा था उसको होती है दिक्कत, ठीक है, हमें एक ही चीज चाहिए, हम गवर्नर गवर्नर साहब से एक ही अपील करते हैं, मौके की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी जाए, अगर ये गलत है हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम गलत नहीं है तो उस बंदे को हमारे आगे पेश करें, सीधी बात हमारी की बात, गोली चलाई छोटे बच्चे शर्म नहीं आती, सब तू गद्दार मेरा बच्चा गलत है ही नहीं।
उनसे जाके पूछे, उसकी गाड़ी एक जरा गेट के साथ टच भी नहीं हुई है और गाड़ी टच भी और खुद उन्होंने तोड़ के गाड़ी के आगे से उठ के, वहाँ पे हमारे पास गवाह है, हमारे पास एविडेंस है, उन्होंने देखा है, मोहल्ले वालों ने देखा है, उन्होंने गाड़ी मारी, उसने कहा रुको रुको रुको, वो उसको रुकने भी नहीं दिया, वो पता नहीं क्या कर रहा था, कर्म कर रहा होगा, उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई गन नहीं थी, उसको क्यों मारा गया उसके साथ। और फिर आप न्यूज चैनल पे लगा रहे हो कि वो मिलिटेंट था, उसने उधर जाके सिक्योरिटी का गेट तोड़ दिया, ऐसा हमारे साथ ये ना इंसाफी की है, हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। इसको सीढ़ियों में लिया हुआ है, और वहाँ मारा हुआ है इसको, और गाड़ी कहीं और बाहर से अंदर लाके, ये हमें सीसीटीवी फुटेज बताई जाए अपना का बिजनेस है। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात है मेरे भाई ने कभी भी जिंदगी में व्हाइट शर्ट नहीं डाली, ठीक है। अगर वो गया, हम मानते हैं क्या वो वहाँ पे बठिंडी गया, वहाँ पे बाहर जो उसके सामने वाले घर के लोग हैं वो बोलते हैं हमने मौके पे देखा हुआ है इसके साथ क्या हुआ, क्या इन्होंने झूठ ब्लेम बनाया हुआ है। और उसके इतनी जल्दी कपड़े भी चेंज हो गए, कपड़ों में कोई सुराग नहीं, गोली जिस्म पे बजी है, कपड़े पे कोई सुराग नहीं है, ब्लैक टी शर्ट डाली थी, अब देखो व्हाइट डाली हुई है, ये कहाँ से आई। मैं बात करना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये बात करना चाहता हूँ कि बच्चा जो है जिसको गोली मारी गई है, वहां पर दो गोलियों की आवाज आई है, जो वहां के लोग बता रहे हैं दो गोलियां चली हैं, लेकिन बच्चे के शरीर में आप देखिए तीन से चार गोलियां लगी हुई हैं, और बच्चा जब घर से निकला है उसने टी शर्ट जो पहनी थी वो टी शर्ट अभी नहीं है बच्चे के जिस्म पे, टी शर्ट भी चेंज की गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो अंदर गया जिसको गोली मारी है इन्होंने, अगर वो बच्चा उसके पास कोई हथियार नहीं था, बिना हथियार के थे, ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि किसी बच्चे को डायरेक्ट गोली मार दी जाए बिना हथियार के। हाँ, अगर बच्चे के पास कोई हथियार होता वो गोली मारते बात मानी जा सकती है, बच्चे को पकड़ा भी जा सकता था, बच्चा अगर भाग रहा था उसकी टांग पे गोली मारते, उसे डायरेक्ट हिट क्यों किया, और डायरेक्ट हिट करना फिर तीन तीन गोलियां दो दो गोलियां जो मारी है, ये बिल्कुल साफ है कि ये जानबूझ के एक किसी साजिश के तहत इस बच्चे को मारा गया है। मैं आपके माध्यम से ये पुलिस वालों को बताना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पुलिस वालों को ये बताना चाहता हूँ कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन की जाए, वरना हम लोग बिल्कुल सड़कों पे उतर आएंगे, हम किसी की भी कीमत पे इस चीज का बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा बिल्कुल जवान और बिल्कुल स्टूडेंट बच्चा था जिस बच्चे को मारा इन्होंने। हम बिल्कुल आपके माध्यम से पुलिस को ये बता देना चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से की जाए। थैंक यू। सर हो सकता है ये प्री प्लान है सारा, सर अब किस मकसद से किया है ये हम नहीं जानते किस मकसद से किया है, पर ये सारा प्री प्लान है, क्योंकि एक बच्चे को मैंने सिंपल सी बात है कि बिना हथियार के मैं आप लोगों से झगड़ा करूं, आप मुझे पकड़ सकते हो, गोली क्यों मारोगे यार, गोली तो तब मारी जा सकती है जब मैं आप पे हम किसी चीज से हमला कर रहा हूं, गोली तो तब मारी जा सकती है, ये कहां का प्रोटोकॉल है कि एक निहत्ते बंदे को गोली मार दो आप बिना मतलब के।